कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव बास्ती में 5 दिन पहले शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए ग्रामीणों का हालचाल जानने जिला अस्पताल में भर्ती 14 मरीजों से मिलने नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही कहा कि शासन प्रशासन से हर संभव मदद दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे हादसों से सबक लेने की बात भी कही। वहीं जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्य का जिले में नहीं पहुंचने पर विपक्षी दलों ने उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनके जनता के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट भी इस बात को कैमरे पर टालते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में जिन अस्पतालों में इस घटना से संबंधित मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मरीजों की सभी दवाएं और रक्त के सभी टेस्ट निशुल्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जाँच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर यहाँ भेजे और हल्द्वानी में लोगों को जो एकदम से भर्ती कराया, उससे काफ़ी लोगों की जान बच गई है। यहाँ पर भी जिलाधिकारी, सीएमओ वगैरह, जितने भी सीएमएस है, सब ने बताया कि न दवाइयों की कमी है, न व्यवस्थाओं की कमी है, हर चीज़ ठीक चल रही है। हर संभव सरकार हर मदद करेगी और बेनीनाग भी अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ भी देखेंगे। जहाँ भी पेशेंट हैं, सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कि जैसे ये घटना तुरंत पता चली, मुख्यमंत्री जी उस दिन दिल्ली में थे और हमने सीधे 2 हेलीकॉप्टर सभी जगह भेजे और हमारा जिला प्रशासन और हॉस्पिटल सब लोग लगे। 102 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, 151 लोग अभी हॉस्पिटलों में हैं। और कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हल्द्वानी में सब मरीजों को देखने गए और आज हम 3 जगह हम खुद जा रहे हैं और जो जो व्यवस्थाएं सरकार तात्कालिक कर सकती थी वो की गई हैं। और जिलाधिकारी को मैंने निर्देश दिए हैं कि इनको सबको, जितने लोग जैसे ठीक होते रहेंगे उनको निःशुल्क घर भेजा जाएगा, उनके रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ऐसी घटनाएँ अब न हों, इसके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से प्रयास करके और इसकी एक जांच रिपोर्ट भी जो है हम तुरंत हमने सीएमओ को भी निर्देश दे रहे हैं और जिलाधिकारी को भी, शासन को भी। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।